नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, गुजरात के चुनाव नजदीक है और साथ ही साथ यहाँ पे गुजरात की सियासत की गर्मी काफी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो केबल ब्रिज हादसा है उस पर राजनीतिक रोटियां हर कोई सीखना चाहता है और साथ ही साथ अपना वोट परसेंटेज वो भी देखे काफी बढ़ाना चाहता है। इस वक्त देखिए मैं न्यूज रूम में मौजूद हूँ, हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, प्रांशी और किरण। हम आज इस चर्चा में, ये जो चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी, उसमें देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिज के लिए, क्योंकि ब्रिज के लिए कौन जिम्मेदार है ये जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के लिए जो कितनी ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज की बात करूँ कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, और बीजेपी जो कि ये काफ़ी टाइम से बता रही है कि गुजरात मॉडल है तो उस पर दिल्ली का मॉडल कितना हावी हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं किरण से सवाल पूछना चाहूँगा, फिर बाद में प्रांशी के पास आऊँगा। लेकिन किरण देखिए, यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली मॉडल अच्छा है और गुजरात मॉडल बीजेपी अच्छा बता रही है, लेकिन इस बीच में ये जो केबल ब्रिज का हादसा हुआ है उसमें किसकी जीत हो रही है किसकी हार हो रही है, क्योंकि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी तो सेक रहा है, और किसका वोट परसेंटेज इससे केबल ब्रिज हादसे से ज्यादा होगा ये थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। देखिए, केबल ब्रिज जो हादसा हुआ है अपने आप में बहुत ज्यादा दुखद है, 140 से ज्यादा लोगों ने अपनी यहाँ पर जान गंवा दी है। लेकिन अब इससे जो आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि अब किस पार्टी की तरफ से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, देखिए ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो बिल्कुल एक भी कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं। हालांकि उन्होंने बिल्किस बानो की इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी थी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अभी ये जो केबल ब्रिज हादसा हुआ है इसको लेकर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बयान दिए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तमाम पार्टियां हैं जो कि बात करते चले कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, उन सभी की तरफ से अभी संवेदनाएं दी जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं उन सबको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करना बाकी है। कल शाम से ही 6 बजे के बाद से ही ये हादसा हुआ था, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई, तमाम ऐसी टीमें आई, इंडियन आर्मी आई, तो उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जो ये हादसा हुआ है उससे किसको फायदा होने वाला है किसको नुकसान होने वाला है। बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट की थी, उसमें साफ साफ ये दिख रखा है कि लोग जो है वो खुद ही झूला हिला रहे हैं, उनकी वजह से टूटा है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा कि देखिए ये जो ब्रिज था वो भ्रष्टाचार से लिप्त था इसलिए गिर गया, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि वो उस ब्रिज पर 100 से ज्यादा लोगों को तो वैसे भी नहीं भेजना चाहिए था, और अब वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वहां पर 500 लोग बताए जा रहे हैं कि 500 लोग वहां पर मौजूद थे, तो 500 लोगों को क्यों भेजा गया ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अब ऐसे में 500 लोगों को भेज दिया, बड़ा हादसा हुआ, लोग उन तारों को हिला रहे थे, और उसके बाद से ये हादसा देखने को मिला है कि उसके बाद ही ये हादसा हुआ है, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आएगी, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे थे, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि अब ये मुद्दा चुनाव से कुछ समय पहले हुआ है और अब चुनाव में किस तरीके से इस मुद्दे का फायदा आम आदमी पार्टी को होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए किरण तो बोल रही है कि प्रशासन की देखिए लापरवाही थी इसलिए गिरा, आपका क्या मानना? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से जो हमें माहौल देखने को मिल रहा है पीयूष, उससे साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन पर बात उठना लाजमी है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को कोई मरम्मत का काम दिया गया है तो उस कंपनी की तरफ से यहाँ पर मरम्मत, फिर तो कंपनी की दिक्कत हुई ना, इसमें प्रशासन कहाँ से? लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो गाइडलाइंस तो प्रशासन को देनी ही चाहिए थी, और जिस तरीके से वहाँ पर टिकट देने वाले की जो लंबी लाइन यहाँ पर जो लगी थी, आपको उतनी मतलब एक भारी संख्या में अचानक से तकरीबन 500 लोगों को एक साथ उस पुल पर भेज देना, ये वाकई में यहाँ पर जो फैसला लिया गया वो वाकई में यहाँ पर एक चौंकाने वाला फैसला रहा, और 500 लोग तकरीबन एक ही जगह पर जाकर इकट्ठे हो गए और अचानक से उस झूले का टूट जाना, उस पुल का टूट जाना वाकई में यहाँ पर एक दुखद घटना है। तो ऐसे में प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होना वाकई में लाजमी बनता है, क्योंकि बीजेपी जो 27 वर्षों से वहां पर है और बीजेपी का वो गढ़ कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पर निशाना साधना भी लाजमी बनता है। अब पीएम नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं मुआवजे के बारे में, क्या मुआवजा देने से यहाँ पर लोगों की जान लौट आएगी, क्या वो
45 लोग जो इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं, क्या उनके परिवार को यहाँ पर उससे राहत मिल जाएगी? किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने बेटी खोई है, किसी ने अपने पिता को खोया है, वहाँ पर ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर देखा जाए, दिल से सोचा जाए, तो वाकई में यहाँ पर प्रशासन पर उंगली उठना लाजमी बनता है। पीयूष, नहीं देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगर जितने लोगों की जान गई है, ठीक है, वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी इसका राजनीतिकरण करने वाले हैं या कर भी रहे हैं, तो वो कहां तक ठीक है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि जितने बंदों की जान गई, जितने लोगों की जान गई, वो एक तरफ और इसका राजनीतिकरण एक तरफ, तो क्या ये बात ठीक है? क्या चुनाव के लिए, वोट परसेंटेज के लिए राजनीतिकरण होना ठीक है? देखिए, घटना को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो घटना हुई है वो काफी ज्यादा दुखद है और मैं इसके लिए जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये वक्त नहीं है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है। और दूसरी ही तरफ अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग दलों से जो लोग कर रहे हैं मुआवजे के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग फैसले ले रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो इस तरीके से देखा जाए, सभी पार्टियों का एकजुट हमें होना देखने को मिल रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की जाए, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर अब राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए रोटियां सेकते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है वह नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर गुजरात में जीत हासिल करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। रैलियां वह भरपूर करते हुए नजर आए, सबसे पहले वह आगे बढ़े और दूसरी ही तरफ उसके बाद राजस्थान की तरफ रुख किया। अब वह सारी जगह की जो रोड शो है वह उन्हें कैंसिल कर चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से गुजरात के चुनाव पर ध्यान देंगे, क्योंकि गुजरात में वह दिल्ली के मॉडल को लागू करना चाहते हैं और राजस्थान के मॉडल को अशोक गहलोत वहां पर लागू करना चाहते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अब भिड़ंत हमें क्या देखने को मिलेगी। क्या गुजरात का मॉडल बीजेपी जिस तरीके से आगे रख रही थी बीते लंबे वक्त से, अब उस गुजरात के मॉडल को यहां पर राजस्थान का मॉडल, दिल्ली का मॉडल फेल करते हुए नजर आएगा? यह बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो घटना हुई है, उस घटना के बाद वाकई में अरविंद केजरीवाल कि यहां पर और भी अहम फैसले देखने को मिलेंगे। फ्री की रेवड़ी से हटकर शायद अब यहां पर कुछ और नजर देखिए। प्रांशी ने बात कही राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने इसको राजनीतिकरण नहीं करने के लिए आग्रह किया है। इसमें कांग्रेस का क्या हो सकता है? गुजरात में कुछ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि गुजरात में कुछ खास एक्टिव दिख नहीं रही है कांग्रेस में। तो आपका क्या राय है इसमें कि कांग्रेस क्या उसका वोट परसेंट बल्कि बढ़ेगा या और घट जाएगा? ये देखिए, सबसे पहले जो प्रांशी ने जिस तरीके से कहा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस की अगर मैं बात करती चलूं तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है कि ये मानव निर्माता त्रासदी के कारण हुआ है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही साथ अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो एक तरफ राहुल गांधी कुछ और बयान देते हैं और उन्हीं की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से कुछ और बयान दिए जा रहे, तो कांग्रेस में तो ये तो साफ है कि उनके कुनबे के अंदर ही कभी नहीं बनी है। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है, देखिए बताती चलो, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसे में जो राजस्थान में घमासान मचा हुआ था उसके बाद से कांग्रेस एक्टिव नहीं नजर आ रही थी यहां पर गुजरात में, लेकिन अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। अशोक गहलोत का 4 दिवसीय दौरा था और अब सचिन पायलट भी आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी किसका वोट बैंक ज्यादा काटती है, क्या कांग्रेस का काटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसका वोट बैंक ज्यादा काटेगी, बीजेपी का काटेगी या कांग्रेस का काटेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस की बात करूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी गुजरात में टक्कर के देखे, एक दूसरे को काफी टक्कर दे रही है, लेकिन वही कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा और भी देखे दूसरे मौकों पर अपना हाथ सेक रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के वोट परसेंटेज कम होंगे या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।